आदाब, मैं हूँ फहीम आजाद। नमस्कार, मैं हूँ परिष्कृत सक्सेना। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया हब के एक और कार्यक्रम में, जहाँ हम लाते हैं आपके लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी। और आज जिस योजना के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उस योजना का नाम है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी परिकल्पना भारत को एक डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ परिवर्तन करना है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परितंत्र को बदलने के लिए और भारत को डिजिटल सशक्त समाज और सूचना अर्थव्यवस्था में बदलने के विजन के साथ भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत 31 तरह के लक्ष्य परियोजनाएं हैं, जिसने विस्तृत क्षेत्रों को सम्मिलित किया है, जैसे कृषि, भूमि अभिलेख, स्वास्थ्य, शिक्षा, पासपोर्ट, पुलिस, कोर्ट, नगर पालिका, वाणिज्यिक कर, कोषागार आदि। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विजन दोस्तों 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जैसे प्रत्येक नागरिक को सुविधा और उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराना, और इस दृष्टि के तहत इसका एक महत्वपूर्ण अंग विभिन्न सेवाओं के ऑनलाइन वितरण की सुविधा के लिए उच्च गति इंटरनेट उपलब्ध कराना है। प्रशासन और मांग पर सेवाओं को प्राप्त कराना, इस विचार के आधार पर दूर दराज के गांवों में बड़े बड़े पैमाने पर देश भर में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, और इंटरनेट की आसान और विश्वसनीय पहुंच को सक्षम करने के लिए अभिलेखों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। नागरिक की डिजिटल अधिकारिता को बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ध्यान भी डिजिटल साक्षरता, डिजिटल संसाधनों और सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भारत को डिजिटल सशक्त समाज में बदलने पर केंद्रित करता है। और डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। यह सभी के व्यापक दृष्टिकोण के विचारों और सुझावों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ताकि उन्हें किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में लागू किया जा सके। प्रत्येक क्षेत्र अपने दम पर खड़ा है, लेकिन फिर भी वो इस बड़ी परियोजना का हिस्सा है। डिजिटल इंडिया को सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी DEITY, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समग्र समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के लिए आवश्यक 9 स्तंभों को बल प्रदान करना है, जो कि है ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस यानी हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट यानी पूर्व फसल कार्यक्रम। प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में एक जटिल कार्यक्रम है, और कई मंत्रालयों एवं विभागों को शामिल किया हुआ है, ताकि शासन की दृष्टि में आने वाले वर्षों में भारत को डिजिटल मंच में बदलने का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, ये योजना वास्तव में तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर दराज के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रही है। खासतौर से भारत के ग्रामीण इलाकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट पर निगरानी रखते हैं। दोस्तों, ये योजना वास्तव में तेज गति की इंटरनेट सेवा के साथ दूर दराज के गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रही है, खासतौर से भारत के ग्रामीण इलाकों में वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करना, खुद प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट पर निगरानी रखते हैं। इंटरनेट की पहुंच से डिजिटल इंडिया के नागरिक अपने कौशल स्तर और ज्ञान में सुधार कर सकते हैं। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो हर एक को फायदा पहुंचा रहा है,
खास तौर से गांव वालों को जो कई कारणों से कागजी कार्य करने में लंबी दूरी तय करते हैं और समय तथा पैसा बर्बाद करते हैं। डिजिटल इंडिया में डेटा का डिजिटलाइजेशन आसानी से हो रहा है, जो भविष्य में चीजों को तेज और ज्यादा काबिल बनाने में मदद भी करेगा। इस योजना से कागजी कार्य, समय और मानव श्रम की भी बचत होती है। सरकार और निजी क्षेत्रों के बीच गठबंधन के द्वारा ये प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। भारत में सभी शहर, नगर और गांव ज्यादा तकनीकी कौशल भी हो रहे हैं। इस योजना पर और जानकारी के लिए संपर्क करें हमारी वेबसाइट www.indiahub.com से। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। और हाँ दोस्तों, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी के लिए इंडिया हब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।